मुंह तथा गले के कैंसर भारत में पाए जाने वाले कैंसरों में सबसे प्रमुख हैं। इस बात की गंभीरता को इससे समझा जा सकता है कि तमाम कैंसर्स में से एक तिहाई मामले मुंह तथा गले के कैंसर हैं। ज़्यादातर मामले एडवांस स्टेज यानी स्टेज 3 तथा स्टेज 4 में पाए जाते हैं और इसी की गंभीरता को देखते हुए WHO द्वारा अप्रैल माह को हेड एंड नेक कैंसर अवेयरनेस माह के रूप में घोषित किया गया है। भारत में किशोरावस्था में खराब जीवन शैली के कारण इन कैंसर्स के मामलों में निरंतर वृद्धि हो रही है। अगर हम इसके प्रमुख कारणों की बात करें तो तंबाकू तथा उससे संबंधित पदार्थों के सेवन के कारण यह कैंसर होता है और लगभग 85% मामले तंबाकू से संबंधित पदार्थों के सेवन से होते हैं। अगर हम अन्य कारणों की बात करें तो उसमें शराब, कत्था, सुपारी, शार्प टूथ, खराब मौखिक स्वच्छता यानी पुअर ओरल हाइजीन और वायरल इन्फेक्शंस यानी HPV, HIV और हर्पीस सिंप्लेक्स भी प्रमुख कारणों में आते हैं। यह कैंसर ओरल कैविटी, लैरिंग्स, फैरिंग्स, नेजोफैरिंग्स तथा लार ग्रंथि यानी सलाइवरी ग्लैंड्स को भी अफेक्ट कर सकता है। मुंह या गले के कैंसर के प्रमुख लक्षण में कोई भी घाव या छाला जो लंबे समय से ठीक ना हो रहा हो, कोई भी असमानता जिसे छूने से खून निकलता हो, गर्दन में गठानों की शिकायत, अकस्मात वजन कम होना, थूक व बलगम में खून आना, आवाज़ में बदलाव या खाना निगलने में परेशानी होना। अगर हम एडवांस लक्षणों की बात करें तो सांस लेने में तकलीफ होना, हड्डियों में दर्द, पीलिया होना या गर्दन में बनी गठानों में घाव अथवा खून निकलना, ये सभी एडवांस कैंसर के लक्षण माने जाते हैं। इनमें से किसी भी तरह के लक्षण पकड़े जाने पर तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श लें और इनको इग्नोर ना करें तुरंत, ताकि हम इसको जल्दी स्टेज पे पकड़ सकें और तुरंत उसका इलाज शुरू कर सकें।